हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स पजल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि इंडक्टर का बैक ईएमएफ क्या होता है, तो ये बैक ईएमएफ जनरेट कैसे होता है और ये कैसे सडन चेंज ऑफ करंट को अपोज करता है। तो ये टोटली मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज होने से ये बैक ईएमएफ का इम्पैक्ट क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। प्रैक्टिकली पूरा सिमुलेट करके देखेंगे कि इसका रोल क्या होता है और ये बैक ईएमएफ जब हम स्विच ऑफ करते हैं तो इसका इम्पैक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट पे कैसा पड़ता है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स को कैसे डैमेज कर सकता है, उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे और कैसे हम इसको अपने डिज़ाइन को कैसे प्रोटेक्ट करें उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इंडक्टर की बेसिक जानकारी बताई है, तो प्लीज़ वो वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने एक ये सर्किट दिख रही है जिसमें एक रजिस्टर, इंडक्टर, एक स्विच है, ठीक है। तो जैसे हम स्विच ऑन करते हैं ना, क्या होता है कि करंट सडन चेंज नहीं होता, ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है क्योंकि जो इंडक्टर है ना ये करंट को अपोज करता है, ठीक है। और इसका मेन रीज़न होता है ईएमएफ, ठीक है। ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है इंडक्टर के क्रॉस, वही इसको अपोज करता है, ठीक। तो बेसिकली क्या होता है कि जो ईएमएफ की एम्पलीट्यूड होती है ना, वो बेसिकली डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पे, ठीक है। जितना ज़्यादा आप करंट चेंज करोगे उतना ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। और ये जो ईएमएफ होगा ना, ये अपोजिट पोलरिटी में जनरेट होता है और ये करंट के अपोज करता है, ठीक। तो बेसिकली होता क्या है, जो ईएमएफ इंड्यूस होता है ना, ये टोटली डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना ज़्यादा चेंज हो रही है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है कि कितना ज़्यादा करंट चेंज हो रहा है। अगर करंट ज़्यादा चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा इंक्रीज होगी और उसके वजह से ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा वो बहुत ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। इसी को हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं इंडक्टर के केस में, ठीक है। अगर सिंगल हम बात करते हैं तो उसको सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, अगर दो हमारे पास कॉयल है तो उसमें म्यूचुअल इंडक्शन का भी कंसेप्ट आ जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि जैसे आप स्विच ऑन करते हो ना, करंट आपको देख रहे हो एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी और एक पॉइंट पे जाके वो स्टेडी स्टेट में चला जाएगा, मतलब कांस्टेंट करंट फ्लो करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जब स्विच को ऑफ करेंगे तो उस टाइम पे क्या होता है, करंट भी ना सडन से चेंज नहीं होता, सडन चेंज होकर जीरो एम्पियर नहीं जाता है, ये स्लोली डीके करता है और डीके करते करते जीरो एम्पियर तक पहुंचता है, ठीक है। तो ये हो गया ऑफ टाइम के केस में। अब हम बात करते हैं वोल्टेज जो इंड्यूस होती है इंडक्टर के क्रॉस, उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं कि उनका क्या सीन होता है। तो क्या होता है कि जैसे आप स्विच ऑन करते हो ना, तो स्टार्टिंग फेज में क्या होता है कि जो मैक्सिमम आपको वोल्टेज ईएमएफ जो दिखेगा ना, वो इंडक्टर के क्रॉस दिखेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड सडन से चेंज होती है, सडन से चेंज होने की वजह से क्या होता है ईएमएफ इसमें बहुत ज़्यादा इंड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है। और ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है स्टार्टिंग में मैक्सिमम होता है और इसमें जो आपको करंट फ्लो होगा ना वो बिल्कुल जीरो के बराबर होगा, ठीक है। उस टाइम पर इसका रेजिस्टेंस एक तरीके से आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे आप देख रहे हो करंट बिल्कुल जीरो होता है और वोल्टेज अचानक से इंक्रीज होती है, जो आपको वोल्टेज सप्लाई होगी वो अचानक से आपको वोल्टेज देखने को मिलेगी अक्रॉस द इंडक्टर, ठीक। तो ये हो गया जब स्विच ऑन टाइम होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे 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 आपको करंट बढ़ाते हो, जैसे जैसे करंट बढ़ता है उसमें क्या होता है कि जो रेट ऑफ चेंज होता है करंट का वो कम होता है और ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है। और जैसे करंट मैक्सिमम रेटेड करंट फ्लो करने लगती है इंडक्टर के, उस टाइम पे क्या होता है कि इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होता है मिनिमम होता है, सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप जो है इंडक्टर के क्रॉस हो जाता है, ठीक है। और उस टाइम पर करंट जो होती है मैक्सिमम फ्लो करती है, फिर भी थोड़ा बहुत डी सी आर वैल्यू होता है, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये कॉयल्स का ही बना होता है, तो कुछ ना कुछ इसका डी सी आर मतलब डी सी रेजिस्टेंस वैल्यू होती है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ जब इंडक्टर जब हम ये जो सर्किट को ऑफ करते हैं, ठीक है, जब सर्किट को हम ऑफ करेंगे तो क्या सीन होगा, तो करंट अचानक से चेंज नहीं होगी, ठीक है। उस टाइम पे क्या होगा, जो एनर्जी स्टोर हो रहेगी इंडक्टर के अक्रॉस ना, वो एनर्जी कोलैप्स करेगी, वो एनर्जी जैसे कोलैप्स करेगी वो निगेटिव डायरेक्शन में कोलैप्स करेगी, उसकी जो हाई वोल्टेज होगी ना ये बहुत ज़्यादा वोल्टेज होती है, क्योंकि अचानक से ये कोलैप्स करती है, ठीक है। और उस टाइम पर करंट स्लोली ये डिक्रीज करता है, ठीक। तो जो वोल्टेज इसमें जो कोलैप्स होती है ना, इसकी वोल्टेज बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होगा, जो हमारा इंडक्टर से एनर्जी डिस्चार्ज होगी ना, वो ये जो हमारा स्विच लगा है ना उसके अक्रॉस स्पार्किंग होने लगती है। स्पार्किंग मतलब समझ रहे हो कि अचानक से करंट, अचानक से जो वोल्टेज है ना, वोल्टेज स्पाइक आती है, मतलब बहुत 1 किलो वोल्ट की भी कभी कभी स्पाइक आ जाती है। तो ये जो स्विच लगाया ना मैकेनिकली, ये इंडक्टर तो डिस्चार्ज होना ही है, तो इसको पाथ वहीं मिलेगा, तो उसके अक्रॉस में क्या होगा कि स्पार्किंग वगैरह क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका फंडा ये होता है। और ये जो स्पाइक होती हैं वोल्टेज स्पाइक ना, ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स वगैरह में बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकती है, ठीक है। तो हमें डिज़ाइनिंग में हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जहाँ हम इंडक्टर यूज कर रहे हैं उसके लिए हम क्या है प्रोटेक्शन यूज करते हैं, लाइक फ्लाईबैक डायोड वगैरह हम यूज करते हैं, ताकि हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स और हमारी डिजाइनिंग खराब ना हो, ठीक है।
तो आपको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि हम अपने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स को कैसे प्रिवेंट करते हैं, कैसे सेव करते हैं, ये जो वोल्टेज स्पाइक्स वगैरह आती हैं इंडक्टर की वजह से। तो क्या होता है कि जैसे हमारा ये मोटर है, तो मोटर में क्या होता है कि ये पांच बेसिक पार्ट होते हैं इसके, शाफ्ट होता है, ब्रशेस होते हैं, मैग्नेट्स होते हैं, रोटर कॉयल्स होते हैं, कम्यूटेटर्स होते हैं। तो इसमें जो मैग्नेट्स होते हैं ना, इन पे इनके वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। और जो हमारा रोटर होता है ना, इसमें कॉयल्स होते हैं, ये देख सकते हो आपको कॉयल्स बाइंडिंग होते हैं, और इसके अंदर एक कोर मटेरियल होता है, और हमारा जो रोटर होता है वो डायरेक्टली कम्यूटेटर से अटैच होता है। तो बेसिकली जो हमारा मोटर होता है ना, एक तरीके से आप देखोगे ना, तो इंडक्टेंस की प्रॉपर्टीज़ पर पूरा बेस्ड है, इंडक्टेंस की ही प्रॉपर्टीज़ में लगती है। तो हम बात करते हैं कि मोटर को ना बेसिकली एक इंडक्टेंस से हम रिप्लेस करते हैं, और देखते हैं कि इसमें जब हम मोटर ड्राइव करते हैं तो इसमें जो बैक ईएमएफ आती है ना, अचानक स्पाइक आती है, उसको हम कैसे प्रिवेंट करें, उस स्पाइक को अपने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि मोटर को ना मैं एक इंडक्टर से रिप्लेस करके आपको एक सर्किट दिखा रहा हूँ कि ये देखो बेसिकली मेरा एक मोटर है, ठीक है। मैं एक डीसी मोटर लिया हूँ, 20 वोल्ट की सप्लाई दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक ट्रांजिस्टर ले रखा, और यहाँ पे मैंने एक डिवाइस ले रखा आर्डिनो, जिसको हमको बेस पे वोल्टेज देने के लिए, क्योंकि मिनिमम वोल्टेज चाहिए होता है हमें बेस को ट्रांजिस्टर को ड्राइव कराने के लिए। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से मेरे को माइक्रो कंट्रोलर से मैं मोटर को कंट्रोल कर रहा हूँ, तो माइक्रो कंट्रोलर से सिग्नल आएगा, ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा और हमारी मोटर चलेगी। तो बेसिकली मैं एक सर्किट बना लिया हूँ, और यहाँ आपको दिखाऊंगा कि ये बैक ईएमएफ कैसे आती है और कैसे हम प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मेरे पास एक ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर पे एक रजिस्टर अटैच है, और यहाँ पे मैंने एक स्विच लगा रखा है, और यहाँ पे मैंने एक इंडक्टर ले रखा है, ठीक है। यहाँ पे इंडक्टर ले रखा है मैंने, आप देख रहे हो। ट्रांजिस्टर का आपको पता है कि तीन पिन होता है, एक कलेक्टर होता है, एक बेस होता है, एक मीटर होता है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एक स्विच ले रखा है ताकि मैं ऑन ऑफ करा सकूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है कि जो ट्रांजिस्टर होता है ना, वो ट्रांजिस्टर का जो बेस इमीटर वोल्टेज होता है वो 0.7 होता है, ठीक है। तो बेस पे क्या होता है कि हमें 0.7 से ज़्यादा वोल्टेज आपको अप्लाई करनी पड़ती है। तो मेरा जो 3.3 वोल्टेज है ना, वो का मच मोर इनफ है ट्रांजिस्टर का बेस को टर्न ऑन कराने के लिए। तो बेसिकली मैंने 3.3 वोल्टेज इसीलिए लिया है क्योंकि जो मेरा माइक्रो कंट्रोलर है ना, वो बेसिकली 3.3 वोल्टेज आउटपुट देता है या 5 वोल्ट आउटपुट देता है, तो इसलिए मैंने 3.3 वोल्टेज ले रखा है, ठीक है। और जो कि 0.7 वोल्टेज से काफ़ी ज़्यादा है, ठीक। और यहाँ पर मैंने एक लिमिटिंग रजिस्टर लगा रखा ताकि ये करंट को लिमिट कर सके, और क्योंकि एक मिनिमम करंट चाहिए होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे एक रजिस्टर लगा दिया, ठीक। और मैंने 20 वोल्ट की सप्लाई लगा रखी है इंडक्टर के, इंडक्टर या मोटर कह सकते हो, मोटर को मैंने इंडक्टर से एक रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये हो गई पूरी एक मेरी सर्किट। अब मैं क्या करूँगा इसमें, जैसे मैं स्विच ऑन करूँगा ना, ठीक है, तो ये मेरा जो है ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, ठीक। अब ये ट्रांजिस्टर ऑन होने का आपको सिंपल सा पता है कि करंट यहाँ पे कलेक्टर टू इमीटर फ्लो करेगा। मैं स्विच ऑन करूँगा, कलेक्टर टू इमीटर करंट फ्लो करने लगेगा, और यहाँ से बेस टू इमीटर एक पाथ बन जाएगा, ठीक। तो मैंने जैसे स्विच ऑन किया, आप देख सकते हो करंट कलेक्टर टू इमीटर फ्लो करने लगा, ठीक है। और कुछ करंट आपको बेस टू इमीटर करंट फ्लो करते हुए दिख रहा है, ठीक है। अब जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा ना, पूरा का पूरा ये ट्रांजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्योंकि करंट जो है ना मैक्सिमम फ्लो करने लगी है। और मैक्सिमम जब भी करंट फ्लो करने लगती है तो क्या होता है कि इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होती है वो बहुत मतलब मिनिमम होने लगती है, और सारा का सारा आपको वोल्टेज ड्रॉप जो दिखेगा ना, वो ट्रांजिस्टर के क्रॉस आपको पूरी वोल्टेज ड्रॉप दिखेगी, ठीक है। अभी वोल्टेज फ्लक्चुएट करे थे, इंडक्टर को हटा के आपको दिखाता हूँ, ये मुझे ट्रांजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज 20 वोल्ट ड्रॉप दिख जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर मैं जैसे इंडक्टर को अटैच करूँगा ना, वो इंडक्टर के क्रॉस हमको वोल्टेज 0 मिलेगा, ठीक है। तो ये फ्लक्चुएटिंग की वजह से ये वोल्टेज दिखा रहा था आपको, मैंने बता भी रखा है, मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में वीडियो बना रखा है फ्लो स्टेट के बारे में। तो आप कहोगे तो मैं उस पर पूरी वीडियो बना दूंगा अलग से कि फ्लो स्टेट एप्लीकेशन कैसे काम करता है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ 20 वोल्टेज फ्लक्चुएटिंग करके दिखा रही हूँ, इसमें फीचर होता है, मैं इसको अभी दिखा रहा हूँ। यहाँ पे नेट पे आपको क्लिक करना है, डबल क्लिक, जैसे डबल क्लिक करोगे आपको 100 वोल्टेज का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे क्लिक कर देना, आपको वोल्टेज दिख जाएगा 20 वोल्ट के। यहाँ पे 20 वोल्ट आपको कंस्टेंट वोल्टेज दिखने लगेगी। अब मैं दिखाता हूँ कि जैसे आप स्विच ऑफ करोगे ना तब क्या होगा, स्विच जैसे ऑफ करोगे तो उस केस में क्या होगा। तो बेसिकली एनर्जी स्टोर हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में इंडक्टर है। जैसे आप स्विच ऑन किए हो ना, यहाँ पे देख सकते हो 102 किलो वोल्ट का स्पाइक आपको मिला है, निगेटिव में आपको पोलिटी चेंज हो जाती है। तो 102 किलो वोल्ट की ये स्पाइक आई, इतना तो ये ट्रांजिस्टर कभी झेल ही नहीं पाएगा, ये ट्रांजिस्टर बर्न आउट हो जाएगा, ठीक है। जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज करोगे वो खराब हो जाएगा, ठीक है, स्पाइक वगैरह। तो इसको बेसिकली हमें यही इसको अल्टरनेटिंग पाथ देना है कि हमें ट्रांजिस्टर को ख़राब ना करे, ये इसको हमें एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करना है। हम इसको पूरी रिमूव तो नहीं कर सकते, लेकिन इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है।
तो यही होता है पैकिंग। अब जो हमारा जो स्पाइक वगैरह वोल्टेज आता है ना, आप देख सकते हो रेड में 102 किलो वोल्ट का ये जो है ना स्पाइकर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, ये ख़राब कर सकता है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। तो यही हमें सेव करने के लिए, अब मैं इसको कंट्रोल करने के लिए ना, हमारे एक फ्लाई बैक जो है ना एक डायोड आता है, उसको हम क्या करते हैं इसके पैरेलल में रिवर्स डायरेक्शन में ऐड करते हैं, ठीक है, ताकि हमें जो है ना हमारी जो ऑपरेशन चल रही है सर्किट को उसको उस पर कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, ठीक है। मैंने रिवर्स बायस में यूज किया, तो क्या होगा कि जब जब स्विच ऑन होगा तो ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा और करंट फ्लो करेगा और डायोड के अक्रॉस कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। अब क्या जैसे स्विच ऑफ क्यों ना, तो यहाँ का जो एनर्जी स्टोर है ना वो इसको एक अल्टरनेटिव पाथ मिल जाएगा करंट का, देख रहा निगेटिव डायरेक्शन में इसकी पोलरिटी चेंज होगी, पोलरिटी चेंज होने से डायोड ऑन होगा, डायोड ऑन होने मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा और यहाँ पर आपको अल्टरनेट पाथ मिल जाएगा करंट को, ये धीरे धीरे डिके हो जाएगा, ठीक है। तो यही होता है फ्लाई बैक डायोड का, और इसलिए इसको रिवर्स बायस में यूज करते हैं, क्योंकि हम जब ऑपरेट करवाएं स्विच ऑन करके तो हमारा ऑपरेशन में कोई इफेक्ट नहीं आया, क्योंकि रिवर्स बायस में ये कंडक्टिंग मोड में नहीं रहेगा। जैसे आप स्विच ऑफ करोगे इसकी पोलरिटी चेंज हो जाएगी और ये अपने रोल में आ जाएगा, मतलब ये फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, 0.7 वोल्ट का ड्रॉप होता है तो ये फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा और ये इसको अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर देगा, करंट फ्लो करने लगेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये ऑपरेशन होता है जिसके वजह से हमारी जो इंडक्टर या हमारी कोई कंपोनेंट इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स होते हैं वो सेफ होते हैं फ्लाई बैक डायोड लगाने से, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये रही पूरी डिटेल बैक ईएमएफ के बारे में, जीरो से लेके पूरे एंड तक। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन बटन जरूर हिट कर देना। और आगे वाली वीडियो में मैं आपको इंडक्टर का डेटा शीट पढ़ के बताऊंगा कि इसमें पैरामीटर्स जो होते हैं उसका क्या क्या मतलब होता है और क्यों इसका सिलेक्शन कैसे करते हैं, ठीक है, उसके बारे में डिटेल में बात करूँगा। तो मैंने पहले वीडियो को इंडक्टर के बारे में बेसिक बता रखी है, तो वहाँ पे आपको जाके देख लेना, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ट्रांजिस्टर के बारे में मैंने वीडियो बना रखी है तो वो भी जाके देख लेना। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।